हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियों की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे जा चुके हैं और हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम 54 गांवों का दौरा कर रही है, जान रही है कि यहां लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार ने यहां कितना कामकाज कराया है और क्या यहां के लोग विधायक जी के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे भैंसवाल कला में। इस गांव की जनसंख्या 20,000 है और अगर वोटिंग के आंकड़े की बात करें तो पिछली बार यहां करीबन 11,000 वोट थे, उसके बाद जो लोग हैं गांव के वो शहर की ओर चलते गए, तो ऐसे में जो वोटिंग है वो वोटिंग जो शहर में लोग रह रहे हैं वो गांव में आकर ही कर रहे हैं। तो फिलहाल जो वोटिंग का आंकड़ा है वो बताया जा रहा है 8,000 के करीब। तो भैंसवाल कला गांव की जनसंख्या ज्यादा है और अगर एक और खास बात हम यहां पर करें कि बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं योगेश्वर दत्त, ये उनका गांव है, यहाँ योगेश्वर दत्त ने जन्म लिया, यहाँ वो रह रहे हैं। तो आज यहाँ के ग्रामवासियों से जानेंगे कि यहाँ पर विकास कितना हुआ है, विधायक जी के कामकाज से वो कितना संतुष्ट हैं और साथ ही अब जो पार्टियों ने कैंडिडेट उतारे हैं उनके बारे में उनका क्या कुछ सोचना है। चलिए मैं चलती हूँ यहाँ की गलियों की ओर। तो देखिये भैंसवाल कला की गलियों में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो है कि इन गलियों में हम आ चुके हैं और कुछ मौजूद व्यक्ति इस गांव के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं का निदान हुआ। साथ ही ये जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि योगेश्वर दत्त इसी गांव में जन्मे, ये उनका पैतृक गाँव है, तो गाँव वाले कितना सहयोग उन लोगों उनको देते हुए नजर आ रहे हैं या फिर जो सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर कितनी फलीभूत होती नजर आई हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके गांव में कितना विकास हुआ है सर, और जितना विकास हुआ है क्या वो अभी तक आप लोगों को ग्रामवासियों को संतुष्ट किए हुए हैं? देखो हमारे गाँव में ना तो कांग्रेस ने कराया विकास है, अरीब ती नई भी बाणगा ने कराया है, रजबाया पानी का और कॉलेज, हम गए थे खट्टर दौरे जब तक नाटिका था मैं रही हूँ सरपंच, अरीब दो कॉलेज दो दे दिया एक बरौदे में एक भैंसवाल में, अच्छा पानी ला दिया और ये सुयोर डब्बे हैं है। अच्छा तो कॉलेज आपके गांव में बनना है? हमारे गांव में दाखिले हो गए, बनना है, दाखिले शुरू हो गए, कॉलेज लड़कियां कॉलेज और इससे ही मांग थी हमारी है। अच्छा ये काम हुए है उड्डा के बारे में कोई काम नहीं हुए हमारे, कोई भी कुछ नहीं बका गया पानी के बारे में, कुछ नहीं कर। अच्छा अभी तमाम पार्टियों ने सर कैंडिडेट उतार दिए हैं, योगेश्वर दत्त का ये गांव है, तो माहौल रुझान किस तरफ है? कांग्रेस की ओर से इंदुराज नरवाल हैं, पिछली बार भी जो है कि 5,000 वोटों का आंकड़ा रहा था योगेश्वर दत्त का, श्री कृष्ण हुड्डा का, अब क्या माहौल है? ये माहौल है योगेश्वर का गाँव में है, क्यों जब तक दो थे गाँव के हल्के हल्के में सारे में गांव में गांव में बताऊ गांव में बुझ हल्के में भी है योगेश्वर पहलवान ठीक मानस है, ठीक छवि का है हाँ, और राज की गलियां रहना चाहिए, राज के खिलाफ जाके करना क्या है, क्या करेंगे, जो बन गया वो 4 साल बैठा रहेगा क्या करेगा, बोलो राज वाला तो किम करा देगा हाँ, जो करके इस वजह दाम इसकी गैल है, 5-6 दो थे उसकी गैल थे की गल है। अच्छा पिछली बार दो हल्के के व्यक्ति थे, कौन थे? डुगर के गांव के थे, हमारे गांव के दो थे, एक भूपिंदर एक ही जहाँ थे, मुझे 50 वोटा भूपिंदर जीत्या था, ये दोनों बराबर रहे थे, भूपिंदर जीत्या था गांव ने आड़े थे 50 वोटा ने, 700 वोट वो ले गया था कांग्रेस वाला और ना दिन गए थी दोनों सारी वोट। अच्छा तो कांग्रेस की कम थी, जेजेपी से थे यहाँ पर भूपेंद्र मलिक और जो है योगेश्वर दत्त का, और उनका जो आंकड़ा की अगर बात करें तो उनका मुकाबला था यहाँ पर पिछली बार, तो अब जो है अब आपको क्या लग रहा, भूपेंद्र मलिक जो है वो जेजेपी से पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब जो है इसके सांझले कैंडिडेट योगेश्वर ही है, टक्कर अगर कांग्रेस की हम माने तो इंदुराज नरवाल है, तो गाँव वाले कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं क्या सोचना उनके बारे में आप बताओ? देखो न्यू सोचना है ना, दामू से ने जानते और की तामू ने टो होंगे हैं,
पहले भला नहीं करा दे, कैसे करेंगे भला वो हमारा। अच्छा फिर ही कांग्रेस ने सोसाइटी या ब्याज माफ कर दिया जमींदारों का, जितने दिन के बने कोई ब्याज नहीं लेते। हाँ अरे ये पूछना हम क्या जाने किटो होंगे उड़े नरवाल ने कांटो होंगे उड़े, यू तो गांव का दश है गांव में यू पा जाएगा और के इसको दोरे हाथ पकड़ेगा कि मुद्दा करा लेंगे। वो क्या करे हमारा, कोई नहीं करे, पहले ना उड्डन करे ना वो करे। अच्छा ये बताएं कि अब की बार बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है, क्योंकि जेजेपी के पिछली बार भूपेंद्र मलिक थे, अब तो सांझले कैंडिडेट योगेश्वर ही हो गए। अच्छा इनेलो की अगर बात करें तो वहां से जितेंद्र मलिक हैं, तो क्या लग रहा है तमाम समीकरण देखते हुए? समीकरण है योगेश की है, सब बोल रहे कांग्रेस तक बिल्कुल निल है। ये है कि हमारा गुरुकुल भैंसवाल था बहुत बड़ा, और ये मुद्दा ने सारा सिटी देर कर दिया। हमारे गुरु गांव का जो है ना वो इंटरनली वो एनिमी है, नॉट ओनली दुश्मन बट एनिमी भी साथ में। तो अच्छा कहते हैं कि इंच का हमारा जो राज में साझा हो, और राज में ऑलरेडी टिकट से खड़ा है, पीछे लड़ भी चुका है, तो हमारे गांव को कोई नुकसान नहीं है। हमारे गांव का कैंडिडेट हमारे गांव का राज है, और इसी राज से मिलकर ज्योमेट्रिकली ये अपने आप जीत जाएगा। अच्छा कई है अपने गांव के, दीपा मलिक है, योगेश है, और कई खिलाड़ी हैं। अच्छा राजनीति के अखाड़े से अलग हम अगर यहाँ के दंगल वाले अखाड़ों की बात करें, तो यहाँ जो है कि पहलवानी का किस तरह से गढ़ रहा सर, ये पहलवानी का एक गढ़ कितना रहा है यहाँ पर, कितने पहलवान निकले गांव से? हमारे गांव से बहुत पहलवान निकले हैं, कबड्डी का खिलाड़ी, उसका कुश्ती का खिलाड़ी, अरे हमारे कम से कम 10-12 पहलवान, 10-12 है खिलाड़ी भारत केसरी तक बने हैं। हाँ भारत केसरी तक बने हैं, हाँ कबड्डी भी और ये भी गणे हैं। अच्छा तो राजनीति के अखाड़े में योगेश्वर दत्त उतरे हैं इस गांव से, बीजेपी जेजेपी के सांझले उम्मीदवार हैं, तो गांव में अगर हम अखाड़ों की बात करें, पहलवानों की बात करें, वो कौन है, कहाँ तक गए हैं? वो बड़ा था इससे भी, नाम बलवर बलराज पहलवान, वो दुनिया के माने में होने में मर गया था, वो लास्ट कुर्सी कर रहे थे उस टाइम, इंच केसरी हुआ तो इंच केसरी भी है। और लड़कों में पहले बचपन से ही शौक पैदा है, क्योंकि बहुत पुरानी क्लब हमारी है वहाँ पर इस साइड में, तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर सब तैयार अखाड़े में, कबड्डी भी, कुश्ती भी, लंबी कुश्ती, सारी कुश्तियाँ। गांव में वो अखाड़ा कब से चल रहा है? वो गांव में अखाड़ा कोई 20 साल से चल रहा है, बहुत पुराना है वो, और वो वही चल रहा है, और अखाड़ा वही बना रखा है वहाँ पर, और बच्चे बहुत दूर दूर के आते हैं, और वो कबड्डी कुश्ती सारी अखाड़े सब बराबर वहाँ पर वो करते हैं। अच्छा तो वहाँ योगेश्वर दत्त जो हैं कि अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इस तरह से कुछ लाभ मिला है गांव के विकास को या स्टेडियम? गांव को उत्साह मिलता है, अब भाई हमारे गांव का बड़ा पहलवान हो गया, इसके काम को चालू रखें, अच्छी बात है, और दूसरे गांव में नाम होता है। तो और जो आजकल जो है इस किस्म के अगर अपने ये इसमें भी नहीं आ जाएंगे पॉलिटिक्स में, तो तब भी काम पीछे रहता है, तो पॉलिटिक्स में आए बगैर तो अब कोई रास्ता नहीं, और अब हमको ये मिल गया है, एक ये पहला है पॉलिटिशियन है जो इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी कुश्ती लड़ चुका है, वो जीत गया है, तो ये जरूर लाएगा। और पहले ही इसकी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट में और हमारा तो साझा ही होता है, हमारा हमको कुछ नहीं करना, सब इसी को चिंता है, इसको गाँव के माहौल का मालूम है, ये बचपन से यहाँ रहा है, यहाँ कुश्ती सीखी है, यहाँ पढ़ाई की है, सब कुछ इसने किया है, कैसे तकलीफ उठा के इसने किया है ये तो यही जाने, और हमको भी ज्यादा पता है। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है कि संघर्ष किया, हम जानते हैं कि माटी से किस तरह उठकर संघर्ष किया, और राजनीति में अगर आ रहे हैं तो इनको उम्मीद है कि हमारा भी भला होगा, और यहाँ अगर हल्के का विधायक होगा तो हल्के का भी भला होगा, अगर सरकार का विधायक होगा तो इस तरह से उम्मीदें यहाँ के ग्रामवासी जता रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं विकास की, सिंचाई के पानी की बात करें, किसानों की बात करें, उनकी स्थिति कैसी है? उनकी इसकी बढ़िया स्थिति है, ये जो काम करे है किसानों के लिए बढ़िया करे, मजदूरों के लिए बढ़िया करे है, यू भी किसान है,
सब बढ़िया काम कर रहे हो। अच्छा तो वोट बैंक किन का माने, गांव में टक्कर किन की माने, सारी पार्टियों ने तो प्रत्याशी उतार दी। उतरेगा हमारा गाँव इसे। हाँ अच्छा पूरा गांव योगेश्वर के पक्ष में। हाँ सारा गांव इसके पक्ष। तो फिर कांग्रेस का? कांग्रेस का तो कुछ ना है, कोई 10-20 आगे जाएगी ना तो ना भी आवे। और इन एलो का करेंगे हम, उन भी नहीं जान देंगे। हाँ अच्छा तो पिछली बार ये जो जेजेपी से थे प्रत्याशी उनको टक्कर दी थी? था न्यू करका हमने दोनों बराबर ही बांट दी। हाँ माँ को यह नाराज ना हो, वो भी बढ़िया लड़का है। हाँ हरियो भी बढ़िया लड़का है। तो देखिए और भी लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके गांव में इस सरकार में कितना काम का जो, और पहली सरकार की बात करें तो उन्होंने भी किस तरह से काम करा है? पहले से बेहतर ही सरकार में काम हुआ। पहले तो कुछ ना घोषणा करी हुड्डा साहब ने, हमारा गुरुकुल है कि उसकी भाई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो यूनिवर्सिटी भी ना बनाई। फिर बोला मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो भी ना बनाई। फिर बोला वो किसान मॉडर्न स्कूल बनाएंगे, वो भी ना बनाया। पहलवान जी ना कही इसको महिला कॉलेज हाल में दाखिले शुरू हो रहे। अच्छा महिला कॉलेज बन गया आपके यहाँ? भैंसवाल कलम चालू हो रहे, एडमिशन चालू हो रहे। अच्छा जो बेटियां है वो गांव गोहांड की आती, आसपास के गांव की आती वहाँ पढ़ने? आसपास के गांव कई काफी दूर तक आती यहाँ पर पढ़ने। तो सुविधा हुई है, परिवहन व्यवस्था भी है यहाँ? हाँ है बिल्कुल है, परिवहन व्यवस्था भी है। अच्छा अब जो है कि पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं तो गांव वालों का क्या कहना है, क्योंकि योगेश्वर दत्त भी बीजेपी जेजेपी के सांझले कैंडिडेट हैं। अच्छा इंदुराज नरवाल कांग्रेस की ओर से हैं, इनलो की ओर से जो है वो जितेंद्र मलिक हैं। हमारे गांव में तो योगेश्वर दत्त का ज्यादा प्रभाव है और इसका इंदुराज। अच्छा पिछली बार जो है कि जेजेपी ने भी जो कैंडिडेट उतारे थे भूपेंद्र मलिक, तो भूपेंद्र मलिक और योगेश्वर एक गांव से होने के कारण समानता में दोनों को वोट मिले थे, तो गांव वालों के लिए भी असमंजस की स्थिति थी कि भाईचारे में वोट किसको ज्यादा दे। अब क्या लग रहा है, क्या अब ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं अब ऐसी स्थिति नहीं, 75% गाँव बीजेपी के साथ हो चुका है। भाई भूपेंद्र मलिक भी परसों आए थे गाँव में, सभा की थी अपने, वो घोषणा कर गए भाई जेजेपी की जितनी भी वोट है वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को पड़े। अच्छा कांग्रेस का कितना जनाधार माने सर? नहीं गवर्नमेंट कांग्रेस के तो कुछ ही कर रहे हैं। एक तो जगवीर मलिक सर जो हमारे गांव का विधायक है, उसका परिवार तो जाएगा, बाकी कुछ 10-20 घर इसके पर्सनल काम कर रखे वो तो देंगे ही, वो मना नहीं कर सकते। अच्छा तो यहाँ भैंसवाल कला की गलियों में घूमते हैं और भी लोग उसे जानते हैं कि यहाँ सरकार ने कितना कामकाज करा, जो तमाम कैंडिडेट उतार दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? भैंसवाल कला की गलियों में घूमते घूमते हम यहाँ पर आए हैं और व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है, कितना विकास कार्य जो होना है ये बता रहे हैं कि बाकी है। ये बताएं कि कितना विकास हुआ है गांव में? देखो विकास गलियाँ सारी ठीक बन गई हैं, एक नया स्टेडियम बना है, पानी की यहाँ कमी थी उसका भी, वो भी नहर का पानी भी कुछ बड़ा बढ़ने की आशा है, रजवाया खुला कर दिया गया है और कुछ और आगे का एरिया ले लिया है। अच्छा सर गांव के शिक्षा के स्तर की बात करें या तमाम सुविधाओं की बात करें, मिल पा रही हैं गांव वालों को? बढ़िया बिजली आ रही है हमारे गांव में और विकास भी बढ़िया है, ये जो है आप कह रहे हो शिक्षा बढ़िया, कॉलेज लड़कियों कॉलेज बनने से हायर सेकेंडरी स्कूल तो पहले ही था और पूछो तो खुद हमने अपनी पर्सनल जमीन देकर स्कूल बनवाया है ये लड़कियों का, क्यों हमारी बहन जो है ना तीन थी, मेरा तीनों ही पढ़ी लिखी है, वो हमने बड़ी परेशानी हुआ करती कभी खान पर छोड़ गाओ कभी लाओ, फिर ये बूढ़ा ने सोची कि यहाँ स्कूल बनवाओ, अपनी खुद की जमीन देकर बनवा रखे है और अब तो घर में गंगा आएगी जिसमें कॉलेज खोल दिया। ये स्कूल कितने साल पहले बनवाया था आपने अपनी जमीन देकर? ये तो 56-57 के आसपास। अच्छा 1957 के आसपास, जब हरियाणा में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम था तो यहाँ पर आपने स्कूल बनवाया था? स्कूल बनवाया था, हमारे हमारा पिताजी थे, हमारा दादा था एकदम बरदार है, इन्होंने हमारी सामलाजली जमीन थी वो 2 एकड़ जमीन देकर ने वो स्कूल बनवा रखे है। अच्छा तो फिर गांव में जो शिक्षा का स्तर रहा बेटियों के लिए वो बहुत ही ज्यादा रहा और खानपुर से बहुत सारा लगा है, भगत जी ये पहले गुरुकुल ये बना था बाद में वो बना था, शिक्षा स्तर वहीं से
बचपन से ही हमने देखने में अच्छा रहा है गांव में। शिक्षा का स्तर यहाँ हरियाणा के दूसरे इलाकों से बेहद बेहतर माने, क्योंकि उस वक्त देखिए कि जब कहीं पर पाठशालाएं नहीं थी तो आपके गांव वालों ने बेटियों के लिए पाठशाला बनवाई थी। अच्छा, ये बताएं कि अब जो है कि तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, बीजेपी जेजेपी के जो सांसद कैंडिडेट है योगेश्वर वो आपके ही गाँव के हैं। अच्छा, तो टक्कर अब किन से लग रही है? गाँव वालों ने पहले जो है कि आपके गाँव के दो कैंडिडेट उतरे थे पिछली बार। एक ही बात है, थोड़ा हाई एक माहौल खराब हो रहा है, उससे बहे और कोई नहीं। किस तरह का माहौल खराब? ये किसान यूनियन वाला रगड़ा है ना, इससे लोग जिसको ज्ञान नहीं ना उस इस बात को नहीं समझ पा रहे, इससे थोड़ा लोगों में गलत वो है असर। ये कांग्रेस वाले मदद कर रहे, हो सकता है कांग्रेस की तरफ चले जाए, बाकी तो तकरीबन गांव में अच्छा माहौल रहा योगेश्वर का। अच्छा, तो योगेश्वर का गांव में फिलहाल माहौल ठीक है, पिछले से ज्यादा वोटों का अब की बार माने? ज्यादा, पीछे दोनों कैंडिडेट अपने गांव के थे, वो जेजेपी में ये बीजेपी में, अब ये दोनों इकट्ठे लड़ रहे हैं, होना ज्यादा चाहिए। वही बात है, फिर मैं आपको बता दूं, ये जो माहौल खराब हो रहा है ना किसान यूनियन वाला, ये इससे मोरल डाउन है। अच्छा, तो कृषि कानूनों को लेकर यहाँ जो किसान है विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके गांव में जो किसान है उनकी जीरी की फसल, बाजरे की फसल ठीक भाव पर बिकी है सर? ठीक बिक रही है जी, 17-1800 धान जा रहे हैं, 2100-2200 बाजरा जा रहा है, 2100। अच्छा, आप भी किसान हैं? अच्छा, अब की बार जो है कि हम कई गांवों में घूमे हैं, वहां के किसानों ने बताया कि फसल जो मोटी जीरी ही MSP पर जा रही है, बाकी जो जीरी है वो औने पौने दाम पर उनको बेचनी पड़ रही है, तो यहां पर क्या स्थिति है किसानों की? यहां मतलब अच्छी स्थिति है, जो रेट है फिक्स है उस पर जा रहा है। यहां जो इकलौता शहर है वो गोहाना ही है, वहीं की मंडियों में जाते हैं? गाँव में मंडी लगी हुई है, और जितने भी आपके गांव में खुली मंडी है, मंडी है, कौन कौन सी फसलें जाती हैं उसमें? अभी फिलहाल बाजरा चल रहा है वहाँ पे। तो साल में कितनी बार लगती है वो मंडी? सीजनल लगती है, सीजन आता तो भी लगती है वो। अच्छा, अब जो है कि युवाओं का रुझान अब किन की ओर है? योगेश्वर की तरफ है एक तरफा। आपका? पलवनी जिला। तो यहाँ जो है कि हम लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं और जान रहे हैं कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और किसानों की फसलें ठीक भाव पर बिक रही हैं या फिर नहीं। गांव में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलेंगे जानेंगे। तो यहाँ गांव के दो व्यक्ति और मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आपके गांव में जो सरकार ने विकास कार्य कराए हैं, क्या संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही काम हुआ है, हर गली में हर मोहल्ले में हर जगह समान विकास हुआ है। हाँ जी। अच्छा, शिक्षा के स्तर की बात करें, क्योंकि मैं एक बुजुर्ग से बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि 1956-57 के आसपास यहाँ स्कूल बनवा दिया गया था। जी, तो शिक्षा का स्तर शुरुआत से ही बहुत अच्छा रहा बेटियों? शुरू से ही हमारे गांव में जितने टीचर हैं, जितने भी मतलब डॉक्टर हैं, जितने IAS IPS बहुत है, शिक्षा का हब है यहाँ पे। अच्छा, तमाम पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं फिलहाल? आपके गाँव का भी बेटा योगेश्वर दत्त और बीजेपी जेजेपी के सांझले कैंडिडेट हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, दोनों से ये कैंडिडेट, दोनों पार्टियों से कैंडिडेट है, और बहुत बढ़िया लीड लेके निकलेगा बच्चा। अच्छा, तो टक्कर किन से लग रही है फिलहाल, क्योंकि पिछली बार तो गांव के जो है कि भूपेंद्र मलिक भी थे जेजेपी की ओर से, योगेश्वर भी थे, और टक्कर कांग्रेस के साथ भी थे, और कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा विजयी हुए थे, अब टक्कर किन से प्रतीत होती है? ये तो एक जाहिर सी बात है, कांग्रेस से टक्कर रहेगी, ये तो पक्का है कि भाई कांग्रेस से टक्कर रहेगी। अच्छा, इनेलो का जनाधार नहीं रहा? इनेलो का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। सर, आपके क्या मत है, क्योंकि गांव की जनसंख्या काफी ज्यादा है यहाँ पर? अच्छा, तो इस तरह से अगर हम माने तो अब की बार क्या रुझान एक तरफा होगा? एक तरफा होने पर 80% भाजपा की तरफ जाएगा। हाँ जी। और टक्कर कांग्रेस से ही होगी? टक्कर कांग्रेस से ही होगी। तो जनाधार यहाँ इनेलो का नहीं रहा? इनेलो का कोई जनाधार नहीं है यहाँ, यहाँ पर कांग्रेस का इनेलो का कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, जो तमाम के गांव के जो किसान हैं, कई किसानों ने बताया कि फसल उनकी वक्त पर नहीं बिकी या MSP रेट से कम बिकी, कोई गोहाना मंडी में फसल लेकर गया, किसी के गांव में खुली मंडी पड़ी हुई थी। अरे गोहाना ले गए जी हम भी, ये तो जो एक आध आदमी उषा है ना, वो कह दे खाम खागी झूठ झाट बोल दे है, वो बाकी सब की बिकी है मंडी में, रेट पे बिकी है। लोग बता रहे हैं कि तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको मिली हैं। गांव में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं।
तो यहाँ गांव की गलियों में घूमते घूमते कुछ और लोग हमें मिले हैं सर, क्योंकि मैं कई किसानों से यहाँ पर मिली और उनका कहना है कि फसल जो है वो ठीक भाव पे बिक रही है, तो ऐसे में जो गांव के किसानों की स्थिति है क्या दूसरे गांव की स्थिति से बेहतर मानी जाए? हम तो बढ़िया स्थिति मान रहे, कहती बढ़िया फसल बेकन लग रही है, किस्सा का बाजरा नहीं रहे सबका बिक लिया साढ़े किस्सा बाद लग रही गवर्नमेंट और इस तो फालतू हम लेंगे के अच्छा गाल बन लग रही सड़क बन लग रही बढ़िया काम होने लग रहे पानी की उठी धाना आ जाएगा हमारा और धाना मंजूर करा रखा यह डिमांड दी काम की पानी चाहिए हमने पीने का और नहर का दोनों डिमांड पूरी है। आप बताएं सर कि आपको क्या लग रहा है कि रुझान किस और लग रहे हैं आपके गांव के? गांव के कांग्रेस के, कांग्रेस की वोट देंगे कांग्रेस की। अच्छा, क्योंकि मैं कई गांवों के किसानों से मिली हूं, उन्होंने कहा है कि फसल तो स्टोर करनी पड़ रही है, एक किले में अगर 30 क्विंटल बाजरा आया है तो सरकार ने तो 8 ही लिया है, वो बाकी का तो स्टोर कर लिया, बाकी फसल ने उठा ले जाओ। तो ये स्थिति आपके गांव के किसानों के साथ हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, हो न रही, सबकी फसल ऐसे ही पड़ी है, ये तो बंड है राज्य के अर्धे फसल तो पड़ी है, ना पानी पीने के लिए ना खेतों में पानी, कुछ नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं, 4-5-6 साल हो गए इस कांग्रेस को राज को, कोई सुविधा नहीं हो रही, नहीं पानी की नहीं कुछ भी। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ जो है कि योगेश्वर दत्त का गांव है ये, तो यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं तो एक भावुकता भी हो जाती है अपने जो ग्रामीण इलाके से जो उभरते हैं संघर्ष करके जो पहलवान। अच्छा, तो ऐसे में अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर तो होनी है लेकिन गांव में समीकरण किस तरह से बन रहे हैं सर? इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा, गांव कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये है कि कई किसान जो है उन्होंने कहा कि फसल तो वक्त पर बिक रही है। कितने करिए फसल, आधी फसल ले आधी उल्टी उठवा दे हैं, जो बच जाओ उसको उठा ले जाओ, कित ले जाओ उनको रेडी में गिर गाओ। अच्छा, आपकी क्या स्थिति है, आपकी जो फसल है वो आप जो है पट्टे पर जमीन लेकर बो रहे हैं? बदे बदे गए। अच्छा, पट्टे पर जमीन लेकर बो रहे, क्या इतनी फसल बिकी है कि आप अपना पट्टा उतार सकें, कर्ज ना ले सकें? कोने बिकी इतनी, कर्जा लेने की स्थिति है? हाँ, कर्जा लेने की। ऐसी गांव में कितने ऐसे किसान होंगे जिनकी ऐसी स्थिति बनी हुई है? ऐसे होंगे 20% 20% किसान होंगे, क्योंकि देखो कि किसान की भी राजनीतिक विचारधारा होती है, तो अगर हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात ना करें, एक असलियत हम इस गांव के किसानों की बात करें तो वो किस तरह से है, क्या किसान आज अपनी जो पट्टे पर जमीन ली है उसका पैसा दे पा रहा है, बिना कर्जा लिए बेटियों का ब्याह कर पा रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जो बेरोजगार आदमी है ना वो वैसे ही एंड रहे धक्के खाते, कुछ नहीं मिल रहा उनको, बेरोजगारी और ज्यादा होगी। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है? हाँ, अरे एक और दिक्कत आ रही है, ये 2-2 साल हो गए बिजली के कनेक्शन है पीछे जमा कर रखे हैं, मोटर के पीछे जमा कर रखे हैं, मोटर दे दी कनेक्शन नहीं दे रहे, और फिर इनके जो स्टार्टर हो ना स्टार्टर के पैसे उस टाइम देने ले लिए, इवन और GST कट गया, स्टार्टर नहीं दे रहे, अन्ना कनेक्शन दे रहे, खेत खाली हो रहे है, पानी खेतों में है नहीं, किसके कारण हमने जो दाना मंजूर कराओ है हक हो गया, लेकिन कनेक्शन नहीं दे रहे, पहले बोल रहे थे खेत खाली हो लेंगे जब तुम्हारे वो कनेक्शन देंगे, ये खेत खाली हो रहे है, लेकिन मैं का जंगा डा काम बताऊ बैठा है, अरे देखो के का कनेक्शन देगा कि ना देगा, मोटर घर आई पड़ी है, 2 साल हो गए, 2-2 लाख रुपए हमारे जमा हो रहे एस्टिमेट के सब कह गए। अच्छा, तो ये बताएं कि इलाके के जो किसान हैं वो तो बता रहे हैं कि फसल नहीं भी करी, किसी को पानी की समस्या है, तो आपके यहाँ किसानों की क्या समस्याएं हैं? मैं तो पानी की समस्या का, हमने पानी होगा ना फसल ना तो आड़ना तो गंजा बेचेंगे, और जब पानी होगा तो हमारा एक खेत है साजो पिनाने वाली साइड में गड्ढा वाली बोल रहे हैं, उड़े पीने का ही पानी नहीं है, दूसरे गांव के लाइन वन दाब का अपना को बो रहा है ना, तो गांव का आदमी उड़े जमीन बो के बिरा जिन्हें बंजर होने लग रही जमीन। अच्छा, तो जो गांव में पानी कितने दिन आता है पीने का? पीने का 3 दिन आओ यो नहर का पानी आओ है डिग्गी का, और कोई पानी नहीं, उसमें कीड़े भी हो सके हैं डिग्गी में, क्योंकि खुले आसमान में है, और तो उसका पानी आओ है, और पानी कोई नहीं आता पीने का, अपना आरओ का मोल लो और अपना 5-10 लीटर दे 20 रुपये का वो पी लो। बिजली की कितनी यहाँ पर समस्या है? बिजली तो ठीक दे दें 4 घंटे दिन, मर ये चुनाव से पहले की स्थिति हो जाता है, बिजली तो ठीक आओ ही, लेकिन पानी की समस्या है, पीने की भी क्यों डिग्गी डिग्गी कहीं पास हो रही है, जब आओ फिलहाल पानी नहीं।
तो नौजवान भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ गांव में युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, रोजगार तो बढ़ गया, मिला ही नहीं है, बेरोजगार बढ़ गई। अच्छा आप यहाँ गांव के तमाम उनसे भी बात करते जो खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में जो गांव में जो मूलभूत सुविधाएं रही उनकी पूर्ति हो पाई क्या, चाहे खिलाड़ियों की बात करें या फिर हम नौजवानों की बात करें? ना नहीं हो पाई। स्टेडियम सही है यहाँ? स्टेडियम तो सही है लेकिन ये है कि रोजगार नहीं मिल पाया युवाओं को। रोजगार नहीं मिल पाया। तो भैंसवाल कला के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पीने के पानी की समस्या है, तीसरे दिन यहाँ पीने का पानी आता है और सिंचाई के पानी के लिए वो उनका कहना था कि सिंचाई का पानी अब चुनाव है तो मिल रहा है। और अगर शिक्षा के स्तर की बात करें तो देखिए शिक्षा का स्तर यहाँ पहले से ही ठीक ठाक रहा है। अब यहाँ कॉलेज खुलने से गाँव की बेटियों को, गाँव के आसपास की बेटियों को और ज्यादा सुविधाएं मिली हैं। तो गाँव वालों ने बताया कि उनका रुझान किस और रहेगा और क्यों रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम, नमस्कार।